जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, नित नए लोग सामने आ रहे हैं और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देती है, जिसके चलते लोकसभा कुरुक्षेत्र में एक अजब नजारा देखने को मिला। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी पर काली स्याही डालने के आरोपी संदीप भारती ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संदीप भारती ने बताया, वह चुनाव में अपने मुद्दों में शहीदों को सम्मान और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलवाना चाहते हैं। देखिए, एजेंडा हमारा किसान और मजदूर है। पिछले 70 साल से जो तकलीफ देश के किसान और मजदूर को उठानी पड़ी है, किसान आज कर्जे के बिना अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। चौधरी छोटू राम के समय पर उसको 100 रुपये कर्जा होता था और वो उस समय भी तकलीफ में था। आज वो कर्जा लाखों रुपए हो चुका है और तमाम स्थापित राजनीतिक पार्टियां किसान को झुंझुना देके, कोई आय दोगुनी करने का, कोई किसी नाम का देके किसान को लगातार बेवकूफ़ बना के रखना चाहती हैं। हमारा पहला एजेंडा किसान का है कि किसान को आज़ादी से लेके आज तक महंगाई के हिसाब से भाव क्यों नहीं मिला, आज तक किसान लाखों का कर्जदार क्यों है। दूसरा हमारा एजेंडा है मजदूर, हमारे भाइयों के बारे में, कि जो मजदूर सारे देश का बोझ अपने कंधों पर ढोते हैं, सारे देश का पेट भरते हैं, आखिर उनको सिर्फ आरक्षण का टुकड़ा देके, सिर्फ फ्री का राशन देके, थोड़ा बहुत और कुछ फ्री का सब्सिडी बोनस देके क्यों उनको उनके बुनियादी अधिकार से महरूम कर दिया गया है। वो देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बराबरी के अधिकारी, तो उनको बराबरी का अधिकार ना देके टुकड़ों का मोहताज क्यों बना दिया गया है। हमारा एजेंडा सीधा सा साफ सा है, देश के किसान और मजदूर को देश की मुख्य धारा में लाना और जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारी, उनको आज तक देश में वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसके वो अधिकारी। आज तक भी नेताजी के बारे में कोई भी कुछ भी टिप्पणी कर देता है, आज भी चौधरी छोटू राम के बारे में, शहीद भगत सिंह के बारे में कोई भी कोई टिप्पणी कर देता है। तो हमारा एजेंडा है, प्रमुख एजेंडा है कि देश के शहीदों के बारे में वो सोच विकसित हो जो देश को आगे लेके जाने वाली, ना कि उनको काट के और अपने आप को चमकाने का प्रयास हो। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैत की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए यस टीवी के साथ।